हेलो, आई एम डॉक्टर रवि डोसी. आई वर्क इन श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वेर आई हेड द डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस. टुडे वी ऑल आर डीलिंग विद द COVID-19 एपिडेमिक, एंड रादर इट्स मोर ऑफ अ पैंडेमिक. न सिर्फ हमारी सिटी, हमारा एरिया, हमारी कॉलोनी, यहाँ तक कि हमारे आस पड़ोसी सभी कोविड से कहीं ना कहीं अछूते नहीं रहे हैं. और भारत के हर एक परिवार में एक न एक कोविड या कोविड से संबंधित समस्या को अब हम देख पा रहे हैं. ये जो सेकेंड वेव जिसे टर्म किया जा रहा है, जो इस अप्रैल के बाद से विशेष रूप से हमारे इंदौर शहर में, हमारे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है, ये कई मायनों में जो पिछली कोविड की वेव है और महामारी का प्रकोप है उसमें काफ़ी अलग है. इसमें जो प्रभाव है वो कम उम्र के मरीज़ों में देखा जा रहा है. इसका प्रभाव कुछ लोगों में काफ़ी अधिक तो कुछ लोगों में काफ़ी कम देखा जा रहा है. सीटी स्कैन और मरीज के प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स इनसाइड इन्वॉल्वमेंट एंड पेशेंट की कंप्लेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. कई दवाइयां हैं जो पिछली बार काफ़ी कारगर साबित हुई थी, इस बार बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रही है. वहीं पे कुछ नई टेक्निक्स हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी हुआ जिसमें हम एंटीबॉडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और फिर बेसिक मेडिकल मैनेजमेंट, बेसिक फिजियोथेरेपी, प्रोन पोजिशनिंग के टेक्निक्स, होम क्वारंटीन के ऊपर जोर देना, ये सभी तरीके हैं जिनसे इस बार इस एपिडेमिक को हम एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से टैकल कर रहे हैं, इवन एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टाइम. द बिगेस्ट बून जो इस बार हमें है वो वैक्सीनेशन के रूप में है. वैक्सीनेशन के आने से बहुत ही ट्रेमेंडस बेनिफिट हमारे पेशेंट्स को हुआ है, और जो जो पेशेंट्स वैक्सीनेशन के बाद भी बीमार हो जाते हैं या फिर एडमिट हो रहे हैं, निश्चित रूप से हमें उनमें बीमारी से लड़ने में और बीमारी की तीव्रता को कम करने में काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि वैक्सीन के द्वारा दी हुई इम्यूनिटी रियली इज़ द एंसर टू दिस पर्टिकुलर वायरल प्रॉब्लम. वायरल बीमारियों के लिए कभी भी कोई भी उपयोगी दवाई अभी तक न बन पाई है और भविष्य में शायद बन जाए, यही हम कामना कर सकते हैं. वायरल बीमारियों के लिए काफ़ी प्रचलित दवाइयां हैं जैसे फेबिप्रवीर, रेमडेसिविर, किंतु ये बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इनमें से कोई भी दवाई सटीक कोविड का न होते हुए सिर्फ दूसरी बीमारियों की हैं जो कोविड के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं. इसलिए कई बार मरीज़ का और उनके परिजन काफ़ी परेशान होते हैं कि साहब हमने तो पूरा 6 रेमडेसिविर सही टाइम पर लगा दिया, फिर भी हमारे मरीज का सीटी स्कैन 20% से बढ़ के 60% पे चला गया. और 60% तो हो गया पर हमारा मरीज़ तो एकदम सही से बैठा हुआ है वार्ड में, वो तो नॉर्मल है, उसको ऑक्सीजन भी नहीं लग रहा है. तो यही कुछ बातें हैं जो इस बार के एपिडेमिक को बार बार हम डॉक्टर्स के मन में एक प्रश्न पैदा करता है कि हम वाकई में उसी बीमारी की बात कर रहे हैं जो पिछले साल थी, कि अपने आप में ये कुछ नई बीमारी हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है. एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो देखने में आ रही है कि डायबिटिक्स एक बहुत बड़ा रिस्क ग्रुप है, और इन डायबिटिक्स को इस इलाज के दौरान स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल करने से हाई शुगर्स का सामना करना पड़ रहा है, जिससे न सिर्फ उनमें बल्कि उनके परिजनों के मन में भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है. यहाँ तक कि कई बॉर्डरलाइन केसेस जिनको प्री डायबिटीज़ था उनकी भी डायबिटीज़ प्रेसिपिटेट हो जाती है. बट डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल शुगर मैनेजमेंट इंसुलिन और गोलियों के द्वारा किया जा रहा है, और वो करना आवश्यक भी है. हाई शुगर से कोविड से ठीक हुए मरीजों में एक और चीज़ देखी जा रही है जो है म्यूकोरमाइकोसिस का फंगल इन्फेक्शन. यह एक बहुत ही घातक प्रकार का फंगस है जो मरीज के नाक एवं आँख को प्रभावित करता है, एवं इसने कभी कभी आँखों की रोशनी भी चली जाती है. इसका उपचार एंटी फंगल दवाइयों से और सर्जरी के द्वारा किया जाता है. COVID-19 एक प्रचंड बीमारी है, और ये बीमारी अलग इसलिए है क्योंकि बीमारी समय के साथ में अपना रूप बदल रही है. हमें चाहिए कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमें इस बीमारी से दूर रख सकती है वो है सावधानी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना, मिस इन्फॉर्मेशन से बचना, एवं हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम का पालन बहुत ही कड़ाई से करना पड़ेगा. हम आए दिन देखते हैं कि मरीज के साथ उसके परिजन काफ़ी समीप रहते हुए उसके उपचार में मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनका ख्याल करते हैं. पर यहाँ पे मैं उन सभी परिजनों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि वे यह ना भूलें कि ये एक संक्रामक रोग है, एवं ज़्यादा नज़दीकी मरीज से खुद उन्हें भी एक संक्रमण का स्रोत बना सकती है जो वो कल को पूरे समाज में लेकर जाएंगे.
कोविड-19 एक कठिन बीमारी है। ये कठिन दौर न सिर्फ मरीजों पे बल्कि चिकित्सकों पे भी, चिकित्सकों के परिवार पर भी गुजर रहा है। इसलिए बतौर चिकित्सक, मैं भी एक चिकित्सक परिवार से आता हूँ, इसलिए आप सभी से इस माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर मरीजों को कोविड-19 के प्रकोप से, अपने भारत और इस विश्व को कोविड-19 के महामारी से बचाने की कोशिश करते हैं। हम सभी को साथ चलना होगा, तभी जाके हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। धन्यवाद।